आदाब पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जामा मस्जिद आज फिर इतिहास दोहरा रही है। यही वो जगह है, यहाँ 1947 में ही जामा मस्जिद की इन सीढ़ियों पर ही मौलाना आजाद ने मुसलमानों से कहा था, आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसी की तकदीर की बुनियाद फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। अफसोस कि अब वजूदों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सीए को लेकर के हर जगह एहतजाज जारी है, तो वहीं दिल्ली भी अब निशाने पर है क्योंकि सीए का विरोध लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। असम, यूपी, बिहार, चाहे देश का कोई एक कोना नहीं बचा जहां सीए को लेकर के विरोध नहीं हो रहा हो, पर हुकूमत है कि इन तस्वीरों को देखना नहीं चाहती। पर जो लोग अब सीए का विरोध करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके साथ बदसुल्की की जा रही है और दिल्ली के जामिया मिलिया की तस्वीरें हम और आप कैसे भूल सकते हैं, जहां मोदी शाह के इशारे पर इन पुलिस वाले गुंडों ने बर्बरता से छात्रों को मारा पीटा और अभद्र गालियां दी, यहां तक कि ये बोलते हुए भी नजर आए कि मुल्लो कलमा पढ़ लो, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। तो ये शब्द पुलिस वालों ने साफ तौर पर जामिया स्टूडेंट पर मारपीट करने के दौरान कहे, जिसकी हर जगह मजम्मत की जा रही है और हर कोई इस खबर की और जो पुलिस वालों ने हथकंडा अपनाया है उसकी निंदा करते हुए नजर आ रहा है। पर यही सवाल खड़ा होता है कि सीए को लेकर के हर जगह विरोध जो है वो कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व भड़काने की कोशिश करते हैं, जिसमें जामिया इस्लामिया को, सिलमपुर को, कभी एएमयू को बदनाम करने की साजिशें रची जाती हैं। अब जो तस्वीर आज के दिन दिल्ली के जामा मस्जिद से आई है वो यकीनन इतिहास दोहरा रही है। ये सबूत है मुसलमानों की नागरिकता का जो बड़े बड़े तिरंगे लेकर के हाथों में चल रहे हैं और इस बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जो तस्वीरें, जो वीडियो सोशल मीडिया पर दिल्ली के जामा मस्जिद की वायरल हो रही हैं, एक बार उन पर भी नजर डाल लीजिए। Yeah.
तो दोस्तों आपने देखा कि दिल्ली के जामा मस्जिद की ये तस्वीरें हैं जहां हाथों में तिरंगा, लोगों के चेहरे पर गुस्सा इस हुकूमत के खिलाफ साफ तौर पर देखा जा रहा है, पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने इस प्रोटेस्ट का आगाज कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर के चल रहे हैं। पर इस प्रोटेस्ट के दौरान एक खास चीज जो देखने को मिली, लाखों मुसलमानों के बीच चंद्रशेखर आजाद अपनी हजारों की भीड़ लेकर के दिल्ली के जामा मस्जिद पर बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लहराते हुए नजर आते हैं और मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होते हैं, जो ये दिखाने की कोशिश इन हुक्मरानों को कर रहे हैं कि ये दलित मुस्लिम एकता है, इस एकता को कोई तोड़ नहीं पाएगा। और जो पैगाम चंद्रशेखर ने वहां से देने की कोशिश की गई वो लोगों तक पहुंचा भी, पर चंद्रशेखर आजाद इस भीड़ के बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। तो वहां पर लोग लगातार डटे रहे, मुस्लिम सभी लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई दिल्ली के जामा मस्जिद पर अपना एहतजाज दर्ज कराता हुआ नजर आया, हाथों में तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। जहां मीडिया सुबह से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जुम्मे की आजान या हिंसा का पैगाम देंगे इमाम, कुछ इस तरीके के इस्लाम टीवी चैनलों द्वारा दिखाए गए और सभी टीवी के चैनलों ने अपनी डमरू बजा दिया और उस डमरू की धुन पर नाचते हुए हर कोई नजर आया। तो कोई सिलमपुर पहुंचा, कोई एमयू पहुंचा, तो कोई जामिया पहुंचा, तो कोई जामा मस्जिद से रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आया। और इस तरह की बयानबाजी हो रही थी कि जिसे देख करके जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, पर गोदी मीडिया के इस हथकंडे को हर कोई पहचानने लगा है। और इस हथकंडे को लेकर के दिल्ली के जामा मस्जिद पर जो लाखों की तादाद में आज मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट हुए, उन्होंने गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए, तो वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे भी बुलंद किए गए। तो वहीं नो एनआरसी नो सीए का भी नारा बुलंद किया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद से जो तस्वीरें आई वो यकीनन लोगों में जोश भरने वाली हैं, यकीनन लोगों में उत्साह बढ़ाने वाली हैं। चाहे दिल्ली पुलिस सरकार कितने भी मिलकर के जुल्म क्यों ना करें, इस बिल का विरोध जारी रहेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं दिल्ली के जामा मस्जिद से तमाम तस्वीरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।